हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल सेफ एंड डूइंग ग्रेट। तो आ चुके हैं फिर से एक न्यू और एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि फैन चल रहा है, इतनी बारिश हो रही है कोलकाता में, बट इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है कि आई कैंट स्टे विदाउट फैन। सो या थोड़ा सा आप लोग यू नो एडजस्ट कर लो एंड मुझे भी माफ़ कर दो। ओके, सो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आई हैव परचेज अ लॉट ऑफ थिंग एंड कुछ चीज़ें डबल भी है, क्योंकि उसका रीज़न मैं बताऊंगी कि वो डबल क्यों है। ओके, सो सबसे पहला चीज़ कि मैंने ये पर्पल से बहुत कुछ ख़रीदा है एंड सी ओ गॉड, गिर ना जाए, इतना कुछ है, आप देख सकते हो आई थिंक, या इतना कुछ है। सो या एक एक करके मैं सब कुछ दिखाऊंगी एंड पर्पल ने मुझे एक गिफ्ट भी सेंड किया था, तो मैं वो भी दिखाऊंगी कि वो गिफ्ट क्या है। सो ओके, एंड उसको लेके क्या मिसअंडरस्टैंडिंग मेरे साथ हुआ था, तो मैं वो भी बताऊंगी। ओके, इंट्रो बहुत लंबा हो गया, तो विदाउट फर्दर डू लेट गेट स्टार्टेड। उसके पहले मेरे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड या कमेंट करके बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो क्या देखना है। वैसे ये वीडियो आप पूरा देखो। ओके, गिफ्ट क्या मिला है मुझे वो मैं एंड में बताऊँगी, तो आप वीडियो को एंड तक देखना और चीटिंग बिल्कुल भी मत करना कि आपने स्किप कर दिया है। सो या विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला चीज़ मैं एसेंशियल से पहले दिखा रही हूँ, क्योंकि ये तो मेरे लिए लाइक मस्ट है। ये मेरा थर्ड बॉटल है, और या ये मेरा थर्ड बॉटल है, वो है ये ब्लू हेवन का रोज़ वाटर फेशियल टोनर, परफेक्ट फॉर सेंसिटिव स्किन। जी हाँ, ये है रोज़ वाटर ब्लू हेवन का, जो कि मुझे 42 रुपीज़ कॉस्ट किया था ऑनलाइन। सो या बाय द वे, वहाँ पे मॉनसून मैनिया सेल चल रहा था, जो कि 13th of July तक था, एंड मैं लेट हुई इस चीज़ के लिए, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट येस, आप फिर भी पर्पल से ख़रीद सकते हो, क्योंकि पर्पल पे हमेशा कोई ना कोई ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स चल रहा होता है। तो क्यों, क्या कर रहे हो यार, आप लोग जाओ जल्दी से परचेज़ कर लो। भले ही उसमें 50% का सेल जो है वो ख़त्म हो चुका है, बट स्टिल ऑफर्स चल रहे होते हैं, तो आप ख़रीद सकते हो। ओके, सो ओके, तो प्रोडक्ट्स पे आते हैं। ये ब्लू हेवन का रोज़ वाटर है, जो कि मैंने अगेन दो लिया है। सो आप पूछोगे एक मेरे लिए और एक किसके लिए, तो ये दोनों मेरा नहीं है, एक मेरे लिए है और एक परी के लिए है। सो जितनी भी डबल चीज़ें होंगी ना, वो सब परी के लिए होंगी। एंड दिस इज़ अ बिग थम्स अप, बहुत अच्छा है, यूज़ करना चाहिए, आपकी स्किन के पीएच लेवल को बहुत अच्छे से ये बैलेंस कर देगा। नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो है ये स्टेक वर्की का माइसेला वाटर टेक मी ऑफ, जो कि अगेन काफ़ी अच्छा है। सारे लिंक्स जो होंगे ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, सो आप उधर से प्राइस एंड सब कुछ चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे उतना अच्छे से याद नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेकआउट करो। बाकी ये स्टेक वर्की का टेक मी ऑफ, टेक इट ऑफ मी माइसेला वाटर, जो कि अगेन काफ़ी अच्छा है। इसकी क्वान्टिटी इसमें नहीं दी हुई है, ये 100 ml का है, दी हुई है 100 ml का है, एंड 150 rupees पीछे लिखा हुआ है। बट आपको जैसे मैंने कहा कि हमेशा ऑफर्स चल रहा होता है, तो मिल जाएगा। बाकी इसका पैकेजिंग इज़ डैम गुड, काफ़ी अच्छा पैकेजिंग है स्टे वर्की का, आई एम इम्प्रेस्ड, अच्छा है काफ़ी। नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो है ये अगेन ब्लू हेवन के डिप एंड ट्विस्ट रिमूवर, एंड अगेन दो है ये। सो या, तो मुझे 48 rupees कॉस्ट किया था, जो कि अगेन काफ़ी अच्छा है। एंड तो इसका जो प्राइस है वो यहाँ पे 75 लिखा है, बट 75 भी रीजनल है, बट आपको और ऑफर्स में मिल जाएंगे अगर आप यू नो पर्पल के वेबसाइट से लेते हो, तो काफ़ी अच्छा है वो। सो नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो है ये NY बेका HD स्पॉटलेस लिक्विड कंसीलर इन द शेड डार्क एंड वाइट चॉकलेट प्रेटजल, काफ़ी अच्छा कवरेज आपको दे रहा है। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको हाई कवरेज देगा, बट दिस इज़ अमेजिंग, बिकॉज ये जो है ना आपके स्किन को बहुत अच्छे से यू नो इवन स्किन टोन कर देगा। अगर आपका कहीं डार्क पिगमेंटेशन है, तो आप उसके ऊपर इसे अप्लाई कर सकते हो, ये आपके पूरे स्किन को इवन कर देगा। तो मैं आपको इस टाइप का स्पैचुला टाइप ऑफ इसका जो है वो टिप है, लाइक स्विस ब्यूटी का जैसा होता है ना वैसा नहीं है, इसका अलग है और काफ़ी अच्छा हैंडी है। तो मैं आपको लगा के यहाँ पे दिखाती हूँ, सी ये है, एंड मेरे स्किन टोन से ये काफ़ी यू नो मैची मैची है। सो सी बहुत अच्छे से आपका ना ये देखिए, लाइक काफ़ी अच्छा ब्लेंड करता है, ईजी टू ब्लेंड है, लाइक बहुत अच्छा सा ब्लेंड करता है, हाइड्रेशन भी देता है,
बहुत ड्राई पैचेस नहीं छोड़ता है आपके स्किन पे. सो या दिस इज़ अ बिग थम्स अप, ये तो आपको लेना ही चाहिए. एंड ये भी अगेन बहुत अच्छा है और बहुत रीजनेबल प्राइस है. इसके पीछे 199 लिखा है, बट फॉर श्योर आपको ये कोई ना कोई ऑफर्स में ज़रूर मिल जाएगा. सो गो फॉर इट गाइस. तो नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो है ये फेसेस कनाडा का मैग्नेट आईज काजल 24 आवर्स स्टे. तो ये मेरा 6th or 7th परचेज है इस काजल का, बिकॉज माई मॉम गोज लव विद दिस, क्योंकि उनको ये काफ़ी पसंद आया है एंड वो हर काजल यूज़ नहीं करती है, तो उनके लिए बेस्ट है. नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो है ये फेसेस कनाडा का अल्टाइम प्रो मेकअप फिक्सचर, जो कि 50 ml की क्वांटिटी के साथ आता है. एंड ये बताता है कि ये कीप्स मेकअप इंटैक्ट, हाइड्रेट एंड रिफ्रेशेस, नॉन स्टिकी. बिल्कुल नॉन स्टिकी नहीं है गाइज, क्योंकि मैं बता सकती हूँ ये. और इसमें कोई वैसा हार्श फ्रेगरेंस नहीं है और काफ़ी फाइन स्प्रे है, आप देख सकते हो काफ़ी फाइन स्प्रे है. ये बिल्कुल भी स्टिकी उन्होंने नहीं लगता आपके हाथ में. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा से हाइड्रेट करते हैं. इनफैक्ट मैंने अभी यही स्प्रे यूज़ किया हुआ है अपने फेस पे. सो या ये काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है एंड काफ़ी अच्छा है. इसमें आपको ओके 50 ml का प्रोडक्ट मिलता है एंड पीछे इसकी प्राइस 349 rupees है, बट अगेन पर्पल पे ऑफर था तो या आप ले सकते हो. वैसे आपको ऑफर में ये 250 के अराउंड मिल जाएगा. ओके नेक्स्ट जो मेरे पास है वो है ये NYB का स्ट्रोक प्रो स्ट्रोक क्रीम पिंक टोपाज, जो कि ऑब्वियसली मैक का ड्यूप है, सब जानते हैं. और इसका रिव्यू तो बहुत अच्छा है. सो एक मेरे पास ओपन है एंड एक मेरे पास पैक है, जैसे खोल नहीं रही, इस वाले से दिखाती हूँ. बहुत अच्छा देता है, कोई हार्श पार्टिकल्स नहीं है इसमें बिल्कुल भी एंड आपके स्किन को इतना अच्छा ग्लो करेगा. इनफैक्ट अगर आप इसे सिर्फ ये प्रो क्रीम प्रो लगा के हो ना, स्ट्रोक क्रीम को भी आप लगा के बाहर जाते हो, सो इट नेवर मेक यू फील लाइक कि आपने कुछ हैवी लगा लिया. सी द ग्लो यू गाइस, कितना अच्छा है. और एक पिंक शीन छोड़ता है इस बट इसमें ये अच्छी बात है कि कोई हार्श पार्टिकल्स नहीं है और आप अपने स्किन टोन के हिसाब से ले सकते हो, क्योंकि ये 3 ranges में अवेलेबल है. पहला तो पिंक टोपाज है, दूसरा आई थिंक डायमंड पर्ल समथिंग और गोल्ड सफायर समथिंग कुछ है, ऐसा कुछ है. तो आप तीनों चेकआउट कर सकते हो. वैसे लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ परचेज करना और ट्राई करना ज़रूर. सो ये सारे मेरे रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स है, लाइक आई लव दिस. ओके ना नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो है ये अगेन फ्रॉम स्टे क्वर्की लुक टू ग्लैम टू गिव अ डैम. यस ये है टेक इट ऑफ मी मेकअप रिमूवर बाम, जो कि अगेन काफ़ी अच्छा है. और इसकी क्वांटिटी मुझे रिसीव हुई है इसकी, वेयर इज द क्वांटिटी, आई थिंक क्वांटिटी मुझे दिख नहीं रहा. ओके दिस इज 30 ग्राम का प्रोडक्ट है ये एंड इसके पीछे भी प्राइस 349 लिखा है, बट अगेन ऑफर्स में मिल जाते हैं. सो इस टाइप की पैकेजिंग है, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है ये. एंड सी बहुत अच्छा बाम है, काफ़ी यू नो अच्छा सा और बहुत अच्छे सा मेकअप रिमूव फॉर श्योर ये कर देगा. सो या अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है, ये परी का है, गिफ्ट है. सो या मैं बता नहीं सकती, ये फर्स्ट प्रोडक्ट है जो मैंने भी यूज़ कभी नहीं किया और उसका भी ये फर्स्ट प्रोडक्ट है ऐसा कुछ. तो मैं ज़रूर उससे रिव्यू लेके आप लोग को शेयर कर दूँगी कि ये कैसा यूज़ करता है. सो या नेक्स्ट जो है वो है अल्ट्स गुडनेस का टी ट्री एसेंशियल ऑयल. यस ये बहुत लूज आता है हमें. सो ये खुला है एंड ये पैक्ड है अगेन फ्रॉम मी एंड परी दोनों के लिए. सो या ये भी काफ़ी अच्छा है, आपके पिंपल्स है, आपके एक्ने स्कार्स है या आपकी सेंसिटिव स्किन है ना, तो आप ये यूज़ कर सकते हो. बट अगर किसी के चेहरे पे कुछ लगाने से इरिटेशन होती है ना, सो पैच टेस्ट मस्ट गाइस, प्लीज पैच टेस्ट ज़रूर कीजिएगा टी ट्री ऑयल्स का, क्योंकि हर टी ट्री ऑयल सबके फेस पे सूट नहीं करता है. सो या जस्ट गिव इट अ ट्राई, बट पैच टेस्ट ज़रूर कीजिएगा. ओके सो ये भी बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा है. नेक्स्ट ये कुछ मुझे मिला था अल्ट्स गुडनेस का नो मो हेयर फॉल विथ फेनुग्रिक बैटिन एंड रिडेंसाइल एंटी हेयर फॉल शैम्पू. ये मुझे सैम्पल पीस पर्पल ने भेजा है एंड ये इनका न्यू लॉन्चेस में से ही है. सो या ज़रूर मैं इसको भी ट्राई करके बताऊँगी कि ये कैसा है. सो या ये है नेक्स्ट वॉट आई हैव. नेक्स्ट आई हैव वन लिपस्टिक फ्रॉम NYB. तो उसका शेड है आई गेस लेडीज़ नाइट सेक्स, जो कि काफ़ी अच्छा है एंड
पिंकिश न्यूड शेड है, वो पिंकिश न्यूड शेड है जो इस टाइप का यू नो पैकेजिंग में आता है, एंड पैकेजिंग वॉज वेरी इंप्रेसिव गाइस, वेरी 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 इंप्रेसिव, बहुत अच्छा है इसका पैकेजिंग। एंड सी द कलर पे ऑफ इज, ओ माय गॉड, लाइक ये इतना सुंदर कलर है, न्यूडिश पिंकिश काइंड ऑफ अ शेड, यू नो फेयर टू मीडियम स्किन टोन पे काफ़ी अच्छा लगने वाला है। डस्की को मे बी फ्लश ऑफ कर दे, बट फेयर टू मीडियम स्किन टोन वाले जिसको न्यूड शेड पसंद होता है ना मेरी तरह, गो फॉर इट गाइस, बहुत अच्छा है। ओके, नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो है दिस NY बे का द बिग एप्पल ऑफ आई माई आई कोल वाइट पेंसिल काजल। जी हाँ, मेरे को वाइट काजल चाहिए था, ब्लैक तो मेरे पास होता ही रहता है, तो ये वाइट काजल अगेन काफ़ी अच्छा है, इसकी क्वांटिटी भी तो, और इसका एप्लीकेशन इज़ वेरी स्मूथ, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है इसका एप्लीकेशन भी, एंड मैंने इसको यूज़ किया है, सो जी काफ़ी अच्छा है। ओके, नेक्स्ट जो है ये पर्पल है, पर्पल का नेल पेंट, क्या पर्पल का नेल पेंट इन दी शेड, इन दी शेड एवन सैंडविच 9, जो कि अगेन काफ़ी अच्छा शेड है, आप देख सकते हो ये पिंक कलर का, रानी पिंक कलर का। सो या नेक्स्ट जो है वो है ये गार्नियर का कलर नेचुरल क्रीम रिच नरिशिंग परमानेंट हेयर कलर, जो कि है इन दी शेड 3.16 बर्गंडी। आंटी के लिए ये आंटी यूज़ करती है, आंटी मीन्स परी की मम्मी, उन्होंने ये ऑर्डर करवाया था मुझसे कि इसका नहीं ऑर्डर कर दो, तो मैंने बोला ओके मैं ये ऑर्डर कर देती हूँ। सो ये है गार्नियर का हेयर कलर बर्गंडी, अगेन इसका जो प्राइस पीछे लिखा है 189 लिखा है, बट 159 और 69 समथिंग में ये मुझे मिल गया था, स्टिल आई सेव 20 रुपीज। ओके, अब सारे प्रोडक्ट्स मैंने दिखा दिए, बट जो है गिफ्ट के लिए जिसका एम्बैरेसिंग पॉइंट मैं बताती हूँ, एम्बैरेसिंग लाइक शायद मेरी ही गलती थी कि मैंने उसको ठीक से देखा नहीं था, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ पर्पल का होम पेज, जो वो ट्राउज़र बॉक्स का अगर मुझे मिल जाता है, ट्राउज़र बॉक्स का जो चल रहा था, तो वो होम पेज मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको क्लिक करके, स्क्रीनशॉट अगर होगा तो, और नहीं होता तो आप सुन लो ऐसे ही। मैं ऐसा ऑफर चल रहा था कि आप अगर 1500 की शॉपिंग करते हो तो यू आर गेटिंग 1200 का यू नो फ्री ट्राउज़र बॉक्स, और उस ट्राउज़र बॉक्स को जब मैं खोल रही थी ना, तो उसमें ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखा रहे थे, लाइक मुझे ये बोलते हुए हंसी आ रही है, लिटरली उस टाइम मैं और परी साथ थे, लाइक उस टाइम मैं परी के घर थी, और हम लोग एक साथ ही ऑनलाइन शॉपिंग मोस्टली करते हैं, तो मैं ऑर्डर कर रही थी, तो उसने कहा कि यार तू मेरा भी ऑर्डर कर दे, तो ना हमारा बिल कुछ 2000 और 2500 का समथिंग कुछ हुआ था, तो ट्राउज़र बॉक्स मुझे मिल रहा था, एंड लाइक उसमें इतने सारे प्रोडक्ट्स थे, लाइक व्हाट नॉट, मास्क, स्किन केयर्स एंड मेकअप सब कुछ था उसमें। हमने वो देखा, बट हमने ये नहीं देखा कि पर्पल हमें सिर्फ बॉक्स दे रहे हैं, ट्रस्ट मी सिर्फ बॉक्स दे रहे हैं, हमने वो नहीं देखा। दो बॉक्स इज वेरी नाइस इन क्वालिटी, भी अच्छी, एंड मेरी मम्मी तो काफ़ी खुश हो गई इस बॉक्स को देख के, बिकॉज आप इसको अपने ट्रैवलिंग का मेकअप बॉक्स बना सकते हो, यू कैन यूज़ फॉर योर ज्वेलरीज एंड ईयर रिंग स्टफ लाइक दैट। या ये हो गया हमारे साथ कि प्रोडक्ट नहीं आया, ओनली बॉक्स आया है, तो ठीक है। किसी का होता है ना, अगर वेस्ट होता तो मुझे रिग्रेट फील होता कि यार आई स्पेंड 1500 प्लस मनी एंड आई गॉट ओनली बॉक्स नॉट द प्रोडक्ट्स, बट ठीक है, यूजलेस नहीं है ये, यूज़फुल है क्योंकि मेरी मम्मी काफ़ी अच्छा यूज़ कर रही है। सो या, और बॉक्स भी मैं दिखा देती हूँ, ये वाला बॉक्स है, ओके काफ़ी अच्छा है बॉक्स, और इधर से ये ऐसे खुलता है इस टाइप से, पर्पल का सामने आपका दिया हुआ है, पर्पल लिखा हुआ है, एंड इसके अंदर ना काफ़ी अच्छी स्पेस है, मैं दिखाती हूँ, ये जो स्पेस है ना काफ़ी अच्छी है, और मटेरियल इसका काफ़ी अच्छा है, और अंदर भी इसकी काफ़ी अच्छी स्पेस दी हुई है, जिसमें आप अपनी ज्वेलरी रख सकते हो, आपका जो प्रीशियस ज्वेलरी होता है, किसी का डायमंड होता है, गोल्ड होता है, तो आप उसको रख सकते हो, नॉर्मल ज्वेलरी भी आप रख सकते हो, ऑक्सीडाइज और वगैरह वगैरह जो भी रखना चाहो। सो द बॉक्स इज़ वेरी नाइस, आए काफ़ी अच्छा है, बट मैं पर्पल वाले को ना एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ गाइज चेंज योर यू नो होम पेज, लाइक आप वो पेज को ही चेंज कर दो, बिकॉज मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप वो प्रोडक्ट्स नहीं दे रहे हो तो प्लीज़ आप उस प्रोडक्ट्स को हटा दो, आप सिर्फ बोलो दैट यू आर गेटिंग ओनली द बॉक्स नॉट द प्रोडक्ट। पर्पल इज़ द नंबर वन ब्यूटी डेस्टिनेशन आई नो, तो
प्लीज़ मैं सिर्फ पर्पल वालों से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ वो चीज़ चेंज कर दो। अगर आप प्रोडक्ट्स नहीं दे रहे हो और अगर आप प्रोडक्ट्स दे रहे हो तो प्लीज़ प्रोडक्ट्स दीजिए, ऐसे मत कीजिए। सो या ओके, तो ये था मेरा आज का हॉल। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कॉमेंट, एंड हम जल्दी 1K होने वाले हैं गाइज, प्लीज़ 1K करा दो, तो 1K पे मैं लाइव भी आऊँगी। सो या ओके, नहीं मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे काइंड एंड स्टे पॉजिटिव। लव यू गाइज सो मच, बाय।